मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बदले जाने की अटकलें तेज हो रही हैं। हालांकि इसे लेकर पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा। खबरें हैं कि इस मामले में कांग्रेस आलाकमान भी सक्रिय नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि राज्य के कुछ नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर भी जोर दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस आलाकमान विवाद से बचने के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुनने की योजना बना रहा है। इधर विपक्ष की तरफ से सीएम को बदले जाने का दबाव बनाया जा रहा है और रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी इस बात पर अब तक फैसला नहीं लिया कि सिद्धारमैया की जगह कमान उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को सौंपी जाएगी या किसी पिछड़े वर्ग के नेता को मौका दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धारमैया की जगह शिव कुमार का नाम आगे चल रहा है। इस आला कमान पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को पद देने की संभावनाएं तलाश रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पार्टी नेताओं का एक समूह खड़गे के नाम को आगे बढ़ा रहा है। वहीं एक समूह पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जरकीहोली जैसे लोकप्रिय नेताओं के पीछे खड़ा नजर आ रहा है। फिलहाल पार्टी के आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। खबर है कि रविवार को वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के लिए जरकीहोली नई दिल्ली में आए थे। इसके बाद अटकलें तेज हो गईं कि पार्टी उन्हें मौका देने का मन बना चुकी है। कहा जा रहा है कि उनके पास 30 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, जिनमें 15 अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं। उनके परिवार में 3 विधायक, 1 MLC और 1 सांसद भी है। माना जाता रहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भी जरकीहोली परिवार से करीबी संबंध है। रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी सूत्रों ने बताया कि अगर पार्टी सिद्धारमैया की सम्मति लेती है तो जरकीहोली उनकी पसंद हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सांसद राहुल गांधी ने भी राज्य में राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर जरकीहोली को चर्चा में किया। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ 9 इंडिया।